नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जिस बिज़नेस की मैं बात करने वाली हूं वो है लाइट्स का बिज़नेस। और ये लाइट्स का बिज़नेस ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के वीडियोज़ आप बिज़नेस से रिलेटेड देखना चाहेंगे। लाइट्स का बिज़नेस क्यों ज़रूरी है? पहला तो मैं आपको यही बता दूं कि सरकार के पास भी ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें वो घर घर में बिजली पहुंचाने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू कर रही है और शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में लाइट्स तो चाहिए ही, तो आप कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं सरकारी। और इसके अलावा आपकी अगर अपनी शॉप है तो ऑब्वियसली कोई भी खरीदेगा तो किसी दुकान से ही खरीदेगा, तो आप वहाँ से भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब ये बिज़नेस कैसा है, कैसे शुरू कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, लागत कितनी आएगी, फ़ायदा कितना होगा, तमाम बातें इस वीडियो के जरिए। बिजली की लाइट्स का व्यापार करें, बहुत अधिक मुनाफा देने वाला है ये बिजनेस। बिजली की लाइट्स का व्यापार कई तरीके से किया जा सकता है। रिटेलर्स, होलसेलर से रेडीमेड लाइट्स लेकर फुटकर ग्राहकों को बेचना, होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर से थोक में माल लेकर दुकानों में सप्लाई करना, असेंबलर्स लाइट्स के चाइल्ड पार्ट लेकर उनको असेंबल करके बेचना, पार्ट मेकर्स लाइट्स के काम आने वाले पार्ट्स बनाना। बिजनेस शुरू करने से पहले क्या करें? बिजली के लाइट्स का व्यापार शुरू करने से पहले इसकी सारी जानकारियां हासिल कर लें, मार्केट रिसर्च कर लें, ग्राहकों के बारे में भी जान लें, जहां बिजनेस शुरू करना है उसे भी जान लें। होलसेल का व्यापार करना है तो आपको ट्रांसपोर्ट भी रखना होगा। ग्राहकों में शामिल बिजली का सामान की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों की लिस्ट बना लें, अपने क्षेत्र के बिल्डर्स की भी लिस्ट बना लें, उस क्षेत्र में सक्रिय बिजली के मिस्त्रियों की सूची बनाएं। इससे आपको अपने ग्राहक तक पहुंचना आसान होगा। ठेकेदारों और मिस्त्रियों को कमीशन का ऑफर दे दें, इन सब से आपके बिजनेस में काफी मदद मिलेगी। कहां कहां शुरू किया जा सकता है बिजनेस? बिजली की लाइट के लिए लोकेशन बहुत ही मायने रखती है। अच्छी लोकेशन पर बिजनेस करने के व्यापार तेजी से चलता है। फुटकर व्यापार करने के लिए बिजनेसमैन को सबसे पहले मार्केट में जगह तलाशनी चाहिए। वहाँ किसी कारण से जगह ना मिल सके तो वहाँ भी बिजनेस चल सकता है जहाँ पर कोई बड़ी कॉलोनी या बड़े पैमाने पर फ्लैट्स बन रहे हों। तीसरी, वो जगह फायदे वाली साबित हो सकती है जहाँ किसी ने पहले इस तरह का व्यापार किया हो और किसी कारण से बंद कर दिया हो, अथवा कोई दुकान खुली हो और दुकानदार के व्यवहार से नाराज हो। कैसे शुरू करें ये बिजनेस? आप रिटेलर्स का काम करना चाहते हैं तो आपको प्राइम लोकेशन पर एक दुकान लेनी चाहिए और उसके बाद होलसेलर से संपर्क करके थोक में माल लेकर फुटकर बेचना शुरू कर दें। यदि होलसेल का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से माल लेकर दुकानदारों को सप्लाई करें। जबरदस्त कंपटीशन के बीच आपको बिजनेस के बारे में शंका हो तो शुरू शुरू में अपने हिस्से के प्रॉफिट को कम करके अच्छी क्वालिटी का माल सस्ते दामों पर बेचना शुरू करें तो आपको ग्राहक मिल जाएंगे। कुछ दिनों तक इसी तरह चलाते रहें और जब आपका बिजनेस स्थापित हो जाए तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ाते रहें। इस तरह से आपका बिजनेस सही तरीके से शुरू हो जाएगा। लाइसेंस कौन कौन से लेंगे? बिजनेस के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। पहले आप अपनी फर्म का नाम ऐसा रखें जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। इसके बाद उस फर्म को रजिस्टर करा लें, फर्म को शॉपिंग एक्ट में रजिस्टर कराएं, जीएसटी नंबर ले लें, इलेक्ट्रिकल बिजनेस से जुड़े आवश्यक लाइसेंस भी लें, वैरायटी का सिलेक्शन करें। आपको बिजनेस करने से पहले ही ये जान लेना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में बिजनेस करने जा रहे हैं यहाँ के लोगों की क्या पसंद है, किस तरह की लाइट्स लोग पसंद करते हैं। हालांकि मार्केट में तो हजारों वैरायटी की लाइटें हैं, लेकिन सबको रख पाना एक दुकानदार के बस में नहीं, इसलिए ग्राहकों की पसंद का पूरा ध्यान रखना होगा। कितनी लागत आ सकती है इस बिजनेस को शुरू करने में? कितनी लागत आ सकती है इसका अनुमान लगाना चाहिए। रिटेलर्स को दुकान, माल, एक हेल्पर एवं प्रचार पर होने वाले खर्च को जोड़ना चाहिए। इसके अलावा यदि आप होम डिलीवरी कराने की सुविधा देना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी जोड़ना चाहिए। फुटकर का काम शुरू करने के लिए आपको 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा होलसेलर्स के लिए निर्माताओं से सामान खरीदने की व्यवस्था करनी होती है। होलसेल का काम उधारी का होता है। ये उधारी भले ही 15 दिन की होती है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। यदि ऐसे भी लागत जोड़ी जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हिसाब लगाते हैं मुनाफे का। बिजली की लाइट्स के व्यापार में मुनाफे की कोई सीमा नहीं, क्योंकि इनकी लागत बहुत कम होने के कारण इन पर अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। मार्केट के अनुभवी कारोबारियों के अनुसार इस बिजनेस में सबसे अधिक मुनाफा असेंबलर्स को मिलता है। असेंबल करने वाले को चाइल्ड पार्ट बहुत सस्ते में मिलते हैं, वो इन सब पर अधिक मुनाफा कमाता है। मार्केट में 30 रुपए से मिलने वाली LED लाइट की लागत मात्र 6 से 7 रुपए आती है, जो होलसेलर्स को 15 रुपए में बेची जाती है। होलसेलर्स वही लाइट 20 से 25 रुपए में रिटेलर्स को बेचता है। रिटेलर तब जाकर ग्राहक को 50 रुपए में बेचता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त मुनाफा कमाया जाता है।
मार्केट में 250 रुपए में बिकने वाली एलईडी लाइट असली लागत 70 से 80 रुपए तक आती है, जो होलसेलर को 150 रुपए में बेची जाती है। होलसेलर 175 से 190 रुपए में बेचता है। बिजनेस को रफ्तार देने के टिप्स। सबसे पहले आपको अपनी फर्म की मार्केटिंग करनी चाहिए, साथ ही आपको अपनी दुकान के लिए प्रचार करना होगा, चाहे वो पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग या लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्टिकर आदि चिपका कर करें। अपने एरिया में लोगों को ये बताना होगा कि आपकी दुकान वहाँ पर है, जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ती दरों पर मिल सकता है। यहाँ से आपको अन्य तरह की सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्रचार भी कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आपने इस जगमगाहट वाले बिजनेस के बारे में, तो ये जगमगाहट वाला बिजनेस आपके बिजनेस को भी जगमगा सकता है। थोड़ा सा पेशेंस और हाँ, थोड़ी सी एहतियात जो हमने आपको बताई, प्लीज जहन में जरूर रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।